नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। नवरात्रि स्पेशल की अगली कड़ी, आज चौथा दिन, माँ कूष्मांडा का दिन। माँ कूष्मांडा एक ऐसी शक्ति जिसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि कुम्हरे से जो माँ की शक्ति प्रकट हुई है, वह शक्ति कूष्मांडा कहलाती है। माँ कूष्मांडा अपनी तेज से, माँ कूष्मांडा अपने प्रकाश से समस्त सृष्टि को प्रकाशित करती है। माँ के तेज में सैकड़ों सूर्य समा सकते हैं, ऐसा माँ का तेज है। आइए माँ कूष्मांडा के चरणों में शीश नवाकर उनका ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब बात करेंगे, आज दिनांक 7 अक्टूबर, दिन सोमवार का पंचांग। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आश्विन माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है आज। चौथी शक्ति माँ कूष्मांडा की पूजन अर्चन वंदन का दिन है आज। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है और आज का नक्षत्र रहेगा अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र यह शनि का नक्षत्र है। शनिदेव हमारे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा संचारित करें। शनिदेव की कृपा से माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम माँ से प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं आज का पंचांग का अगला पड़ाव। योग रहेगा प्रीति, तदनुसार दिनांक 7 अक्टूबर, दिन सोमवार, राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक, और गोलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कार्यों के लिए पूरी तरह से वर्जित होता है, इसमें कोई भी नया और शुभ काम नहीं किया जाता। गोलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, कार्य आपके संपादित हो जाते हैं, कार्य आपके बन जाते हैं। तो मेष से लेकर मीन तक, अब आइए आगे की कड़ी में बढ़ते हैं, जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी, और साथ ही साथ माँ कूष्मांडा को आज आप भोग प्रसाद में राशि के अनुसार क्या अर्पित करें। आइए जानते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, 8वें के चंद्रमा के साथ आज का दिन आरंभ हो रहा है। शनि का नक्षत्र दशमेश एकादशेश का नक्षत्र है। पढ़ाई में आज बहुत उतार चढ़ाव बढ़ेगा। शिक्षा की स्थिति कई तरह से परेशान करने वाली है। व्यापार हर प्रकार से आपके लिए सकारात्मक है। बिजनेस में शुभ परिणाम मिलेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज मानसिक द्वंद्व देगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र बेहतर रिजल्ट दे रहा है, सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है।
दाम्पत्य जीवन आठवें के चंद्रमा के चलते थोड़ा परेशान करेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और नेत्र दोष आज रहेगा। उपाय क्या करना है? ओम कुष्मांडा देवी नमः। बिल्कुल तल्लीन होकर के माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दें। माँ आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 53। आगे बताएंगे आज माँ कुष्मांडा से क्या मन्नत मांगे। मन्नत मुहूर्त में इन बिटवीन जानते हैं वृषभ राशि के लिए आज का दिन। पढ़ाई में आज का दिन एक नई शुरुआत दे रहा है, एक सकारात्मक शुरुआत दे रहा है। शिक्षा आपके लिए प्रबल शुभता के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा की स्थिति उत्तमता के साथ आगे बढ़ेगी क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि को देखेगा। व्यापार कुछ अर्थों में आपको नुकसान देगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा संभल कर चले। सरकारी क्षेत्र एक बड़े प्रभाव के साथ है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल की शुरुआत हो चुकी है। बहुत कुछ आपके लिए प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन वृषभ राशि के लिए आज जुखाम खांसी की शिकायत स्थिति पैदा होती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने कंठ पर हल्दी लगाकर माँ कुष्मांडा को रामदाने का प्रसाद अर्पण करें। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि, बहुत संघर्षपूर्ण दिन रहेगा आज। रीजन है, आज चंद्रमा एक तो छठे में है और नक्षत्र अष्टमेश का है, नौमेश का है। प्रथम पाली दिन की बहुत मुश्किल देगी, परेशान रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शिक्षा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। व्यापार अनुकूल स्थितियां दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए कुछ आंतरिक रूप से द्वंद्व में रहेंगे। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार की सकारात्मकता, हर प्रकार की शुभता प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, एक दूसरे के साथ इधर उधर की चीज़ें उलझा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, खांसी की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है मिथुन राशि वालों को? आज अपने हाथों से माँ कुष्मांडा को लड्डू का भोग लगा दें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 49। कर्क राशि, यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। पढ़ाई बहुत अनुकूल स्थिति में है, शिक्षा की चिंता न करें। व्यापार मुश्किलों में आपको डाल सकता है, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें
तो आज बहुत अनुकूल परिस्थिति रहेगी, सकारात्मक परिस्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कई प्रकार से नुकसान दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर की संघर्ष को संभालें। दाम्पत्य जीवन बहुत प्रबल ऊंचाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन, पेट की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम देगा। शुभ रंग बताएंगे आगे, लेकिन माँ कुष्मांडा को आज आप क्या अर्पण करें कर्क राशि वाले? दूध उबाल कर उसमें इलायची और केसर मिलाकर माँ को भोग लगा लें। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि के बाद सिंह राशि, यहाँ चंद्रमा विराजमान हो गए चतुर्थ भाव में। थोड़ी देर में आगे हम बताने वाले हैं आज का मन्नत मुहूर्त, इंतज़ार जरूर करिएगा। पढ़ाई बहुत अनुकूल है, शिक्षा में आप बहुत सकारात्मक प्रभाव पाएंगे। व्यापार की स्थिति बहुत उतार चढ़ाव से युक्त रहेगी आज। रिस्क लेंगे आपके ऊपर, रिस्क प्रभावी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत सकारात्मक परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है, बहुत उत्तम अनुकूलता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र कई प्रकार से नुकसान दे सकता है, परेशान रहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर वाले। दाम्पत्य जीवन बहुत सकारात्मक है, स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, पति पत्नी का साथ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन, पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। सिंह राशि के लिए आज माँ कुष्मांडा को अपने हाथों से कोई मौसमी फल का भोग लगा दें। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति विराजमान हो गई अब बहुत उत्तम स्थिति में, और चंद्रमा की यह स्थिति पराक्रम की स्थिति है, मेहनत की स्थिति है। मेहनत बहुत करना होगा आज। पढ़ाई फिर भी बेहतर है, शिक्षा में कोई नुकसान नहीं है। व्यापार की स्थिति को देखें तो आज बहुत प्रकार से उतार चढ़ाव बढ़ेगा बिजनेस में। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बड़ा प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र नुकसान दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में संघर्ष बनेगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए पति पत्नी के बीच तालमेल की कड़ी जागृत करेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन, किडनी की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है आज कन्या राशि वालों को? आज माँ कुष्मांडा को अपने हाथों से पीपल के पत्ते पर रामदाना और हरी इलायची का भोग लगा लें। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 54। तुला राशि, द्वितीय भाव में आपके चंद्रमा की स्थिति, आज बहुत उत्तम सोच आपकी रहेगी, वाणी आपका बहुत मधुर हो जाएगा, हर जगह आप दिल जीतेंगे। नक्षत्रेश शनि आज आपके चतुर्थ और पंचम के स्वामी हैं, ये बहुत विलक्षण संयोग होता है। पढ़ाई आज कुछ बेहतर रिजल्ट दे रही है, माई का आशीर्वाद मिल रहा है। व्यापार थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा संभल कर रहें, बिजनेस की स्थिति को संभालें। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को बात करें तो आज कुछ अच्छा और चमत्कारी होगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ बड़ा और प्रभावी कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल थोड़ा नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज कमर दर्द की शिकायत, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम कुष्मांडा देव्यै नमः।
इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 57। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी राशि में है, विराजमान है। पढ़ाई कुछ दिव्य तरह से आगे बढ़ रही है, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा चिंतित थोड़ा सा हो सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा है। व्यापार आपके लिए नुकसान दे सकता है, संभल कर चले। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति आज बहुत अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए एक अलग जोन तैयार करता है, गवर्नमेंट सेक्टर एक अलग जोन तैयार करता है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति संतुलित है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और किडनी की समस्या हो सकती है। वृश्चिक राशि, क्या उपाय करना है आज? माँ कुष्मांडा को अपने हाथों से गुड़ और सौंठ का भोग लगाइए। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। धनुराशि, द्वादश के चंद्रमा की स्थिति शिक्षा को आज जागृत करती है, पढ़ाई में आज बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। व्यापार की स्थिति में थोड़ा सा डावाडोल मामला रहेगा, बिजनेस परेशान करेगा। माँ कुष्मांडा की कृपा आप पर रहेगी, हालांकि 12वें में चंद्रमा है। व्यापार में यात्रा के संयोग बनेंगे और ये यात्रा लाभदायक रहेगी। बड़े रिस्क टालिएगा बिजनेस में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो परेशानियों से मुक्ति के साधन बनेंगे। सरकारी क्षेत्र प्रमोशन की खुशखबरी मानसिक सांत्वना देगा। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन की समस्या और आँखों की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है धनुराशि वालों को? माँ कुष्मांडा को आज अनार के जूस का भोग लगा दें। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में है, कई तरह के अंतर्द्वंद आज रहेंगे। शिक्षा की स्थिति बहुत प्रभावित रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, शिक्षा में परेशान हो सकते हैं। व्यापार आपके लिए कुछ बड़ा जोन तैयार करता है, बिजनेस कुछ बड़ा जोन तैयार करेगा। प्राइवेट सेक्टर को बात करें तो आज प्राइवेट सेक्टर में कई तरह से आपको नुकसान हो सकता है, थोड़ा संभल कर चलें। सरकारी क्षेत्र एक अलग तरह से आपको प्रभावी दिखेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता रहेगी। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल स्थितियां हैं, पति पत्नी का साथ रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन खांसी की शिकायत और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उपाय करना है आज मकर राशि वालों को? रबड़ी का भोग लगाएं माँ को। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, चंद्रमा आ गए आज चौथे भाव में, बहुत कुछ आपके अनुसार है, चीज़ें बहुत अनुकूल रहेंगी। पढ़ाई आज बहुत संतुलन में है, शिक्षा की चिंता न करें। व्यापार में आज मामला हाथ से स्किप होगा, बिजनेस आज प्रभावी नहीं रहेगा, बहुत थोड़ा सा नुकसान उठाएंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक शांति देगा, प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए एक नया जोन तैयार करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कुछ आज अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन, कुंभ राशि, आज कुछ नए लोगों का हस्तक्षेप पेजेड लाइफ को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमर दर्द और शुगर की दिक्कत हो सकती है, कुंभ राशि। माँ कुष्मांडा को अपने हाथों से गंगा जल और मिश्री चढ़ा दीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज
स्लेटी भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, यहाँ चंद्रमा आए मीन राशि वालों के लिए भाग्य भाव में कुछ बड़ा फायदा आज कराएंगे। आपके हिसाब से दिन बीत रहा है, यात्रा का लाभ, पढ़ाई में कुछ विशेष फायदा, शिक्षा की स्थिति दिव्य, व्यापार में कई तरह से माइनस प्लस दिक्कतें, व्यापार आपके लिए कुछ अच्छा और चमत्कारी करेगा, बिजनेस कुछ अच्छा और चमत्कारी करेगा। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा परेशान करने वाला है, प्राइवेट सेक्टर को संभालें। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझाएगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के साथ संयोग अच्छा बनाता है। स्वास्थ्य के मामले में जुकाम खांसी के साथ साथ किडनी की समस्या देगा। प्रयोग क्या करना है, ओम दुम दुर्गायै नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों की स्थिति के बाद अब जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की कृपा से वो क्या मांगा जाए और कब मांगा जाए। आज का अनोखा मन्नत मुहूर्त, आज का समय नोट कर लीजिएगा मन्नत मांगने का, 11:46 से लेकर के 11:56 तक मध्य रात्रि। मांगना क्या है माई से, आज आपको माँ कुष्मांडा से अपने लिए प्रसिद्धि मांगिए। हम फेम चाहते हैं लेकिन हमारे कर्म और भाग्य कई बार हमें अपमानित कर देते हैं। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव के बीच आप प्रसिद्धि के लिए तरसते हैं तो आज आप माई से कृपावश ये मांग लीजिएगा। 11:46 से 11:56 रात में एक पीपल के पत्ते पर एक लौंग रख करके दाहिने हथेली पर रखकर माँ का ध्यान करें और कागज पर हे माँ मुझे प्रसिद्धि दे, मेरे सत्कार्यों को प्रकाशित करें, सत्कार्यों को प्रकाशित करें, ये लिखकर इस पीपल के पत्ते को कागज के मध्य में रख दें। लिखना लाल रंग की कलम से है, सिंदूर उंदूर नहीं, कलम से। कागज को फोल्ड करके सिद्धांत रख के शयन करें, प्रातः इसे कलश के पास रख दें, बोलो कुष्मांडा देवी की जय। अब आज की सक्सेस की, इंडेक्स फिंगर को कंठ पे छूकर 3 बार ओम 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 कहिए और दिन का शुभारंभ करिए। अब आज का भाग्याक्षर, मेष का वृषभ व मिथुन या कर्क, स सिंह, प कन्या, ज तुला, छ वृश्चिक, भ धनु, ग मकर, ख कुंभ, य मीन, थ। चलते चलते आज दिनांक 7 अक्टूबर का आयुष्मान भव है, जिसका आज जन्मदिन है। 3 माला गायत्री जाप करें, किसी जरूरतमंद को कुछ खाने के लिए दे दें, रुद्राभिषेक करवाएं और एक पीपल का पौधा अपने हाथ से लगा दें। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी छोटे बच्चे को भोजन कराकर पाठ्य सामग्री दें, 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और 2 नीम के पौधे पति पत्नी कहीं लगाएं। बस इतना करिए, हार्दिक शुभकामनाएं, अनुमति दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, जय माता दी, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है।
कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रह दीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रह दीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।